हे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए काफ़ी बार सोचा होगा कि आपके नए फॉर्म आए और आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें JIPMER के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए 2024-25 के लिए आपके बहुत ही जल्द फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएटेड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से आपके यहाँ पर कब तक आवेदन स्टार्ट होंगे, आपको इस वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो छात्र यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, फ़ीस कितनी रहेगी और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सीटें कितनी रहने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके फॉर्म आते हैं आपके बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करके रखें। तो चलिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो इसको डेस्कटॉप में आप कर लीजिएगा। अगर आपका डेस्कटॉप में नहीं है तो ये डेस्कटॉप मोड में ही आपका ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएटेड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फ्रेंड्स आपके फॉर्म से रिलेटेड, और अदर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आती है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ इस वाले, ठीक है, इस वाले पोर्टल पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एडमिशन पर आप इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। उसके बाद यहाँ पर आपको चीज़ें जो सर्च आउट करनी है फ्रेंड्स अपने बीएससी नर्सिंग के लिए करनी है। तो यहाँ पर अभी देखिए आपका एमएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन्स के लिए फॉर्म अभी रिलीज़ किए हैं, उसका यहाँ पर शेड्यूल चल रहा है 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए। लेकिन हमें बीएससी नर्सिंग की बात करनी है तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो आप यहाँ पर बीएससी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग अपना टाइप कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग की, वो आपकी ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये सेकेंड वाला, ठीक है, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज एडमिशन 2023 एंड 2024 एकेडमिक ईयर, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको समझना होता है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है फ्रेंड्स अपने फॉर्म से रिलेटेड, कि एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, आपका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका सबसे पहले तो हमको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है। तो प्रोस्पेक्टस अपना देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपका यहाँ पर दे रखा है पोजीशन 8 पर, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपका ये ओपन होकर के आएगा, इसको पीडीएफ ओपनर से आपको ओपन करना है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपकी सीटें दे रखी हैं फ्रेंड्स, किस किस की सीटें आपकी रहने वाली हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितने रैंक तक आपको यहाँ पर मौका दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी बता रखी हैं। तो जैसे ही चलिए थोड़ा सा इसको इन्फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू सीट्स। तो यहाँ पर देखिए देख पा रहे होंगे सीट से रिलेटेड आपकी जो जानकारी दे रखी है वो फीमेल्स के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 85 सीटें आपकी टोटल यहाँ पर रहने वाली हैं जो कि रिजर्व है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 9 सीटें देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा और भी कोर्सेज हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और सीटें आपकी यहाँ पर दे रखी हैं, आप अच्छे से देख ही पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से अगर आप करना चाहते हैं तो 37 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको 5 सीटें मिलती हैं। और भी ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बी ऑप्टम है, जिनके बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आप इसे कहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ़ सीटें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सीटें अगर देखी जाए तो 181 सीटें आपकी यहाँ पर टोटल होती हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो रैंक होती है, रैंक वाइज आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी रैंक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक आपका कितना लास्ट ईयर गया था वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। 1 से लेकर के 1200 तक के जो छात्र थे वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करा रहे थे अपना 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1201 से लेकर के 2169 यहाँ पर आप देख सकते होंगे, तो ये आपको रिपोर्टिंग कराना था कुछ इस टाइम से, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग जोन दे रखा है, तो इसमें आपको अभी ये चीज़ नहीं समझनी है, ये आपका बस एक तरीके से आपको क्लियर कर देते हैं कि इतने रैंक तक आपकी एडमिशन्स होने के चांसेस होते हैं, अगर इससे आप ज़्यादा चले जाती है रैंक तो आपका एडमिशन नहीं होता। फिर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक एक करके बताना तो पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है उसमें आप क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साफ साफ आपको बता रखा है
कि आपका तो यहाँ पर वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड जो आपने नीट से यानी यूजी से आपने इशू करवाया एनटीए के थ्रू, तो अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, यानी कि आपको नीट भी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आपका आता है फ्रेंड्स, वो रिज़ल्ट का आपको यहाँ पर इशू कराना है, जितनी भी आपकी रैंक बनती है एनटीए के थ्रू वो आपको यहाँ पर मांगी जाती है, यानी कि नीट आप क्वालिफाइड कर चुके हैं, नीट में आपके अच्छी खासी रैंक है तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार बैक चलते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं फ्रेंड्स जो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कोर्स काउंसलिंग शेड्यूल इसको डाउनलोड करना है, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद पीडीएफ ओपनर से इसे आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद ये ओपन होकर के आ जाता है, इसमें आपकी रैंक भी दे रखी है आपके JIPMER के थ्रू, उसके बाद आपके जो नीट स्कोर है वो भी आपका दे रखा है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि देखिए नीट स्कोर जो हाईएस्ट है वो 609 है, तो आपका यहाँ पर एलिजिबल है कि आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हो। तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन, ठीक है, ये आपकी डेट दे रखी है लास्ट ईयर की, तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। उसके बाद देखिए JIPMER के थ्रू जो रैंक है वो यहाँ पर 2 गई है आपकी, जनरल में 2 है, OBC में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर नीट स्कोर 609 जो है आपका हाईएस्ट है। उसके बाद चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपकी ऑफिशियली जो लोएस्ट है 107 है, और आपकी जो यहाँ पर JIPMER के थ्रू आपकी जो रैंक है वो यहाँ पर 2169 है। तो ये आपकी लोएस्ट है, और हाईएस्ट की बात कर रहे हैं तो ये छात्र के यहाँ पर एलिजिबल हैं आपके काउंसलिंग करवाने के लिए। तो ये सारा जो ब्यौरा है फ्रेंड्स वो आपका इसमें दे रखा है, इसमें आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। तो ये आपको शो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर कर पाओ कि आपको कितना स्कोर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, और अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। तो कोई भी चीज़ फ्रेंड्स आपने मन से यहाँ पर नहीं बताई जाती है, आपको ऑफिशियली जो नोटिस रिलीज़ होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये प्रोस्पेक्टर डाउनलोडेड था ऑलरेडी, तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं अपने फीस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें तो आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके न्यू प्रोस्पेक्टस में होंगी। सीट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है अपना फ़ीस का क्राइटेरिया। तो जस्ट वेट, फीस का जो क्राइटेरिया हो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ आपको क्लियर है, सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी हैं। तो एडमिशन फ़ी आपकी रहेगी, वन टाइम सबमिशन रहता है इसका 2500 का। एकेडमिक फ़ी ट्यूशन फ़ी जिसे आप कहते हो 1200 रुपी रहेगा। JIPMER स्टूडेंट्स जो एसोसिएटेड फ़ी एनुअल फ़ी रहेगी आपकी 1000। लर्निंग रिसोर्स फ़ी आपकी एनुअली लगती है 2000, ठीक है। उसके बाद और भी फीसेस हैं जो यहाँ पर आपकी दे रखी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपकी जो टोटल फ़ीस यहाँ पर रहती है फ्रेंड्स, ये आपकी 11410 यानी 11410 रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आपके प्रोस्पेक्टस के थ्रू। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने हॉस्टल से रिलेटेड कुछ फ़ीस का, जो यहाँ पर पेमेंट है वो यहाँ पर आपको दे रखा होगा। तो ये हॉस्टल चार्ज है आपका, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पर पे करना होता है आपका एंट्री और अलॉटमेंट में, वो यहाँ पर 20,000 रुपये का पेमेंट है। तो ये अमाउंट टू बी पेड एंड एंट्री एंड अलॉटमेंट के टाइम पर आपको ये जमा करना होता है। उसके बाद ये आपका सबसिक्वेंट ईयर का आपका रहेगा 12,000 से लेकर के 15,000 तक का, ठीक है। ये पर एनम यानी पर ईयर का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है आपके हॉस्टल फीस से रिलेटेड। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बात करते हैं फ्रेंड्स अपने एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपको साफ साफ सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो इसको अलग से इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको इंडियन नेशनल यानी भारतीय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नीट क्वालिफाइड किया है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखिए 2024 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए, तो आपको यूजी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है 2024 वाला, ठीक है। जो इस बार आपने एग्ज़ाम दिया था नीट का 2024 के लिए, उसमें अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखिए ही एंड शी कोई भी यहाँ पर हो सकते हैं, फीमेल है या फिर मेल कैंडिडेट है, उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17 साल कम्प्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। क्योंकि ये 24 की बात कर रहे हैं तो 24 यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर बोटनी, जूलॉजी, या फिर आपने इंग्लिश, ये आपका कंपलसरी है। आपने इससे कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कंपलसरी तो होगा ही ना, तभी आप यहाँ पर यूजी का एग्ज़ाम दे पा रहे हो, तो ये तो कॉमन सी बात है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50% मार्क्स आपका ज़रूरी है, ठीक है, आपका टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी क्वालिफाइड एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल्स हैं जो यहाँ पर इस प्रॉस्पेक्टस में दे रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें और सभी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। आप इस फॉर्म को भरने से पहले आपको मैं बता ही चुकी हूँ, यूजी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ज़रूरी है, उसमें आप क्वालिफाइड हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपका GIP MER के थ्रू आपका जो फॉर्म आएगा उसमें हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से पहुंच जाएगा। तो लाइक करना वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा जो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं और नीट का एग्ज़ाम उन्होंने दिया था और उसके अलावा यहाँ पर वो क्वालिफाइड हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, यानी कि आपने UG को क्वालिफाइड किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें दे रखी है इन्फॉर्मेशंस, तो इनको एक एक करके बताना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसको पार्टीशन में करके आपको सारी चीज़ों को इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन डियर फ्रेंड्स।